ईश्वर कैसा है, ईश्वर की न्याय व्यवस्था कैसी है, ईश्वर की सृष्टि कैसी है, इसका वर्णन हमें वेदों के अंदर मिलता है। वेदों के अंदर ईश्वर की न्याय व्यवस्था कहिए या सृष्टि की व्यवस्था कहिए, कि सृष्टि के अंदर, संसार के अंदर, जगत के अंदर जो व्यक्ति योगाभ्यास करता है, ईश्वर की उपासना करता है, धर्म आचरण करता है, वो कीर्तिमान होता है। और उसके लिए दृष्टांत दिया गया है, जैसे द्युलोक गत अर्थात द्युलोक को प्राप्त सूर्य कीर्तिमान है, जगत के अंदर सूर्य की कीर्ति है। इसी प्रकार से धार्मिक सत्य आचरणी पवित्र व्यक्ति की संसार के अंदर कीर्ति होती है। ये वेद के अंदर बताया गया है, ये ईश्वर की न्याय व्यवस्था है और ये सृष्टि की भी व्यवस्था है।